दोस्तों आज मैं आपको ये छोटी छोटी गोलियां बनानी सिखाऊंगा। ये ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जो इस सीजन में एक बहुत बड़ी एनर्जी का स्रोत है। ये बहुत सी बीमारियां होने से रोकता है जो इस मौसम में होती हैं, और खासकर ये खून के प्रवाह को बहुत तेज करता है, जिससे कि हमारे शरीर की हर कमजोरी जो है वो दूर हो जाएगी। और खासकर इस मौसम में कहीं भी आपके ढीलापन आपको महसूस होता है तो उस जगह की कमजोरी को ये गोलियां एकदम से बूस्ट कर देंगी, क्योंकि ये उस और एनर्जी के प्रवाह को तेज करती हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इन छोटी छोटी गोलियां जो बहुत पावरफुल हैं उनको हम कैसे बनाएंगे और इनके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी 2 से 2.5 इंच अदरक के टुकड़े की। 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसे हम पहले अच्छी तरह से छील लेंगे। अब हम इसे करेंगे ग्रेट। ये एक छोटे से ग्रेटर में हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। और ये मैंने अदरक लिया है जो आजकल ताजा आया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रस होता है। अदरक के सेवन से पुरुषों में ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और पुरुषों में फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ पुरुष अगर अदरक का सेवन करते हैं तो सेक्स ड्राइव बढ़ने में मदद मिलती है, तथा सेवन से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी सेक्सुअल समस्याएं भी बहुत आसानी से कम होती हैं। ये हमारा अदरक जो है वो ग्रेट हो चुका है। जो ऊपर कुछ बाल वगैरह बच गए हैं तो इसका इस्तेमाल आप चाय में कर सकते हैं या सब्जी वगैरह में भी आप इसको डाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो अगला इंग्रेडिएंट है हमारा गुड़। जी हाँ, गुड़ बहुत ही ताकतवर होता है, ये सब लोग आप जानते ही होंगे। तो हम लेंगे कम से कम 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 इंच का टुकड़ा एक गुड़ का। तो गुड़ को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चक्कू की मदद से काट लेंगे। हम इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, पर ये जो ग्रेटर में ना थोड़ा सा चिपक जाता है, इसलिए वेस्ट जाती है। तो हम गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चक्कू की मदद से काट लेंगे। गुड़ दोस्तों इसी कलर का लेना है, गोल्डन कलर का, बिल्कुल व्हाइट कलर का जो गुड़ होता है वो नहीं लेना। उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, देखने में तो अच्छा लगता है पर असल में उसका असर नहीं, बिल्कुल नहीं होता, उल्टा नुकसानदायक होता है। तो आपने गोल्डन कलर का ही गुड़ लेना है। तो अब दोस्तों हमें चाहिए देसी घी। अगर गाय का शुद्ध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर घर का देसी घी हो तो ज़्यादा कारगर होता है इस नुस्खे के लिए। तो मैंने ये 3-3.5 चम्मच जो है छोटे लिए हैं। अगर बड़ा चम्मच हो तो 2 चम्मच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ये हमारा घी गर्म हो जाए तो हम इसमें अपना ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, और अदरक को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे अदरक का रंग थोड़ा सा बदल गया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे जो हमने बारीक टुकड़ों में काटा था। अब इसकी हम आंच जो है बिल्कुल कम कर देंगे। गुड़ है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। अब हम इसको पिघला लेंगे, बिल्कुल कम आंच रखेंगे और इसको हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पिघल ना जाए। ये दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा पिघल गया। इस स्टेज पर ये नीचे ना लग जाए इसमें आप थोड़ा सा 2-4 चम्मच इस स्टेज पर पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम डाल रहे हैं इसमें 2-4 चम्मच पानी के। ये हमने पानी डाल दिया है। ध्यान ये रखिएगा कि इस टाइम पर हमारी आंच जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो ये हमारा लगभग ये पक के तैयार हो गया है। जब आपको इसमें थोड़े से बबल्स दिखाई देने शुरू हो या थोड़ा सा घी अलग अलग दिखाई देना शुरू हो, तब आप अपनी जो है वो गैस या जो भी जिस पर भी आप बना रहे हैं उसको आप बंद कर दें। ये हमने अपनी हीट को ऑफ कर दिया। अब हम एक कोई भी बाउल लेंगे, उसको हम अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर देंगे ताकि ये जो हमने बनाया है ये चिपके नहीं, और हम इस मिश्रण को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आराम से घी डालने का ये फ़ायदा होगा कि ये चिपकेगा नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम
इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसकी हम गोलियां कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा ठंडा होगा तो बिल्कुल ये जम जाएगा। ये थोड़ा सा ही ठंडा होना शुरू हो तो इसकी गर्म गर्म में ही आप इसकी इस तरह से गोलियां बनानी शुरू कर दें। बड़े आराम से बन जाएंगी। इस साइज़ की गोलियां बना लें कि आप इसको चबा कर भी खा सकते हैं और वैसे भी अगर आपने खानी हो तो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कितना और कब करना है। दोस्तों, अगर तो बच्चे को खिलाना ही है, अगर किसी बच्चे को खांसी ज़ुकाम या कोई भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ठंड लगी हुई है तो इसकी बाउल एक जो है दूध के साथ देनी है, अगर बच्चे की उम्र जो है 10 साल से कम है, और अगर 10 साल से ज़्यादा है तो इसकी दो बाउल आप उसको दे सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम उसका दूर हो जाएगा और उसके बाद उसको गर्म दूध पिलाकर सुला दीजिए। और अगर किसी आदमी ने खानी है जिसको शारीरिक कमजोरी है और शरीर में ढीलापन है, उसके लिए वे इसकी चार गोलियां रात को सोने से आधा घंटा पहले खा ले और साथ में गर्म दूध इसके साथ पी ले तो उसकी जितनी भी शारीरिक कमजोरी है, जहां पर भी उसके ढीलापन है, वो सारा दूर हो जाएगा और उसको इतनी ताकत मिलेगी जो उसने कभी भी पहले महसूस नहीं की होगी। इसकी चार गोलियां कुछ ही 2 या 3 दिन ही खाने के बाद वो अपने शरीर में एक अलग ही ढंग की स्फूर्ति महसूस करेगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को अवश्य बनाइएगा और इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा मिले तब आकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और तभी आप और लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा अगर आपको इसका फ़ायदा मिलता है। नहीं तो आपसे कोई ज़बरदस्ती हम गुजारिश नहीं करते कि और लोगों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप अवश्य करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।